जय जिनेन्द्र रमो जिड़ाड़म सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अनंत चतुर्दशी का महान पर्व है और दस लक्षण महापर्व का दसवां अर्थात अंतिम दिन है और आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, त्याग तपस्या का दिन है, संयम का दिन है और धर्म का दिन है और संपूर्ण भारतीय परंपरा में अनंत चतुर्दशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दस धम्मसारों की हम 13वीं गाथा के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। रमोः सव्यजिनाणम् आयरियो वच्छाय साहूडं य रमोय पज्जुसडाणम् रमो दशलक्षण पावाणम्। आज दसवें दिन दस लक्षण महापर्व के हम लोग उत्तम ब्रह्मचर्य पर कुछ देर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि आज दसवां दिन है और व्यवहार से इस दिन दसवें दिन को हम लोग उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप में मनाते हैं और इस दिन इस पर विशेष प्रवचन विशेष व्याख्यान पूरे देश में होते हैं और लोग इस दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष आराधना भी करते हैं। दस धम्म सारो ग्रंथ की यह जो लघु ग्रंथ है इसकी 13वीं गाथा का पाठ करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसको विशेष समझने का प्रयास करेंगे। बम्भणि चरणम बम्भम जीवो विमुक्त पर देह तित्तस्स विवरीय लिंगे सुखलु आसत्ति कारणम यभव दुखस्स। बम्भणि चरणम बम्भम जीवो विमुक्त पर देह तित्तस्स, जीव का जीवो विमुक्त पर देह तित्तस्स, जीव का पर देह की सेवा से रहित होना। जो पर देह में आसक्ति होती है उससे विरक्त हो करके जो बम्भणी चरणम बम्भम, ये जो आत्मा में चरण होता है अपने स्वरूप में उसका जो चरण होता है शुद्ध आत्मा में जो उसका रमण होता है वास्तव में वह ब्रह्मचर्य है। विवरीय लिंगे सुखलु आसक्ति कारणम यह भव दुख से, क्यों? क्योंकि विपरीत लिंग में जो आसक्ति होती है वह भव दुख का मूल कारण है। जहां अपनी देह के प्रति भी आसक्ति का निषेध किया गया हो, अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करने के लिए, अतीन्द्रिय दशा को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी ही देह से विरक्ति की बात हो तो वहां पर देह माने हमसे जो भिन्न देह है उसके प्रति आसक्ति और उसके प्रति आकर्षण यह तो और भी ज्यादा समस्याग्रस्त है, क्योंकि हम जब अपनी देह से ही हमको मुक्त होने की बात कह रहे हैं, अपनी देह से ही आसक्ति छोड़ने की बात कर रहे हैं तो पर देह तो बहुत दूर की बात। और सिर्फ पर देह नहीं बल्कि पर द्रव्य, पर द्रव्यों से नितांत भिन्न शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा अर्थात ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में लीनता ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द को भी ध्यान से देखेंगे, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा और चर्य माने होता है चरण करना माने रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना ये ब्रह्मचर्य।
समाज में, देश में, व्यवहार से एक बात कही जाती है कि शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य है, विवाह नहीं करना ये ब्रह्मचर्य है, तो वो भी एक विवक्षा से ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन वह बड़ा स्थूल कथन है, माने वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात नहीं है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे जो सूक्ष्म चर्चा है इसकी, ब्रह्मचर्य की। यह जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, इस महाव्रत का पालन तो मुनिराज ही करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो उसका एक देश पालन करते हैं। उसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ है वो स्वदार संतोष व्रत रखता है। स्व अर्थात अपना, दार माने अपनी पत्नी, जो धर्म पूर्वक ग्रहण की गई अपनी पत्नी है, जिसके साथ आपने रीति नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, सबकी सहमति से विवाह किया है, इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। उसमें संतोष रखना व्यवहार से, यह स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। ये गृहस्थ के जो ब्रह्मचर्याणु व्रत है उसके अंतर्गत आता है। एक बात पर हम लोग विचार करें कि वास्तविकता क्या है। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते रहने से अपने अतींद्रिय स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है। इंद्रियां चाहे कोई भी हो, चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, सब पांचों इंद्रियां, इनके विषय भोगों में रमण करना ये अब्रह्मचर्य है। हम लोग ब्रह्मचर्य को बहुत सीमित शब्दों में, सीमित अर्थों में लेते हैं, जबकि जैसे कर्ण है तो हम बहुत राग सुनना चाहते हैं। कान का विषय क्या है, कर्ण का विषय क्या है, अच्छे अच्छे कोमल सुंदर शब्द सुनना, मधुर संगीत सुनना, तो इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, ये भी अब्रह्मचर्य है। चक्षु, दोनों आंखें, ये इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, ये इंद्रियां क्या कर रही हैं, ये भी विषयों में प्रवृत्ति कर रही है। हम बहुत सुंदर चीज़ देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर हरियाली, बहुत सुंदर, हमको पसंद है बहुत अच्छा देखना, तो ये इंद्रियों का व्यापार है, इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्ति कर रही हैं, तो ये भी अब्रह्म है, क्योंकि हमारा उपयोग उन विषयों में लग रहा है इंद्रियों के माध्यम से। आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर इंद्रियों के अनुसार उसका भाव रमण हो रहा है, इसलिए वो विषयों में फंस रहा है। घ्राणेन्द्रिय है, यह घ्राणेन्द्रिय क्या है, इसको सुगंध पसंद है, दुर्गंध पसंद नहीं है, तो सुगंध के प्रति जो आकर्षण है, बहुत अच्छा सूंघना चाहते हैं हम, इत्र लगाना चाहते हैं, आसपास हमें अपने शरीर की दुर्गंध सहन नहीं होती है, तो हम उसके लिए तरह तरह के परफ्यूम लगाते हैं, किस लिए, ताकि अच्छा आनंद आए, इंद्रियों को आनंद आए। रसना इंद्रिय पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम तरह तरह के व्यंजन पदार्थ खाना चाहते हैं, उसके प्रति लोलुपता है, और लोलुपता इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी रसना इंद्रिय के लिए, उसकी तृप्ति के लिए किसी जीव का घात भी कर देते हैं। सिर्फ हमें पेट भरना है अपना, कि हमारा काम चल जाए, हमारे उदर पूर्ति हो जाए, जीवन चलता रहे, और यह जीवन शाकाहार से आराम से चल सकता है, लेकिन सिर्फ जिम्हा की लिप्सा के लिए, स्वाद के लिए हम इन बेजुबान पशुओं का कत्ल कर देते हैं, उनके मांस का सेवन करते हैं। पूरे दुनिया में लोग मांस का सेवन कर रहे हैं, वहाँ ये विचार नहीं करते हैं कि हमको सिर्फ उदर पूर्ति करनी है, ये करुणा भाव नहीं है। अपने जीवन के लिए दूसरे के जीवन का हरण कर लेना, ये अतिरेक है, और ये भी अब्रह्मचर्य है। अगर आपको रसना इंद्रिय, हमें रसना इंद्रिय में ज़्यादा आसक्ति है, हम तरह तरह की चीज़ों के प्रति आसक्त हैं, भोज्य पदार्थों के प्रति, पेय पदार्थों के प्रति, तो ये भी अब्रह्मचर्य। और उसी प्रकार, जिस प्रकार ये इंद्रियां हैं सारी, उसी प्रकार एक स्पर्शेंद्री भी है जो ऊपर से नीचे तक व्याप्त है, इसको स्पर्शेंद्री कहते हैं। तो स्पर्शेंद्री में जो रमण का भाव है,
पर देह के साथ, यह भी अब्रह्मचर्य। लेकिन जब ब्रह्मचर्य की हम चर्चा करते हैं तो मूल रूप से मैथुन सेवन के त्याग की चर्चा होती, उसका कारण क्या है, स्पर्शेंद्री को ही महत्व दिया जाता है। उसका कारण क्या है कि ये जो इंद्रियां हैं ये भी कहीं ना कहीं स्पर्शेंद्री से संबंधित तो हैं ही हैं, अपना विषय अलग रखती हैं लेकिन स्पर्शेंद्री से संबंधित हैं, और स्पर्शेंद्री के विषय भोग के प्रति ये इंद्रियां भी पूरी सहायता करती, इसलिए भी स्पर्शेंद्री के सुख के तरफ से निवृत्ति लेना, जैसे मुझे स्पर्शेंद्री का आनंद चाहिए तो स्पर्शेंद्री का आनंद कैसा, बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, क्यों, ताकि मेरे स्पर्शेंद्री को सुख मिले। तो आचार्य ये भी बात समझाते हैं कि ये भी अब्रह्म है, स्पर्शेंद्री का सुख। स्पर्शेंद्री का सुख सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि किसी स्त्री के साथ रमण करना ये स्पर्शेंद्री का सुख है, ये भी, ये तो महान विकारी भाव है ही, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो स्पर्शेंद्री के सुख में आती हैं और अन्य इंद्रियों के सुख में आती हैं, उसमें आसक्ति में आती हैं, वो सब अब्रह्मचर्य। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वह तो बहुत स्थूल कथन है कि कोई स्त्री पुरुष के प्रति और कोई पुरुष स्त्री के प्रति जो अब्रह्म का भाव रखते हैं वो बहुत स्थूल कथन है। जिन्होंने बाकी की इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है उनके स्पर्शेंद्री का भी कंट्रोल हो जाता है, और जिन्होंने स्पर्शेंद्री के अन्य सुखों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, भोग के अतिरिक्त अन्य सुखों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें भी उस रमण रूप भाव की सहज ही उत्पत्ति नहीं होती। ये महान पुरुषार्थ का काम है, और निश्चित रूप से ब्रह्म में चरण करना। दो बातों को मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि हम इस तरह से समझें, जो इंद्रियों में लीन है वो आत्मा में लीन नहीं है, जो आत्मा में लीन है वो इंद्रियों में लीन नहीं है। सीधा सीधा हिसाब, जब तक इंद्रियों में लीनता रहेगी, इंद्रियों की पराधीनता बनी रहेगी, तो निश्चित है कि हम अतींद्री नहीं हो पाएंगे, और अतींद्री दशा इंद्रिय के अतीत ही हो पाती है। तो जब तक इंद्रियों से परे चिंतन नहीं करेंगे, इंद्रियों से परे वो शुद्धात्म तत्व को नहीं देखेंगे, दर्शन नहीं करेंगे उसका या उसका विचार नहीं करेंगे, तब तक कैसे संभव है। और बहुत सारी बातें हैं आज वर्तमान में, हम देखें शास्त्रों में शील रक्षा का बहुत वर्णन है, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शील की मर्यादा का पालन करते हुए धर्म मार्ग पर उन्हें तत्पर रहना चाहिए, ऐसे जगह जगह उपदेश दिए गए हैं। लगभग सभी धर्म दर्शनों में ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा गाई गई है, और इस पर हमें गंभीरता से आज बहुत ज़्यादा विचार करने की इसलिए भी आवश्यकता है कि आज स्थिति क्या हो गई है संपूर्ण समाज में। यद्यपि भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति में इन चीज़ों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण से और भी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण से, जहाँ भोग को ही पुरुषार्थ समझा जाता है, उसके कारण से हमारा वर्तमान का भारतीय समाज भी इस विकृत मानसिकता का शिकार हो गया है, और हमारे यहाँ शील और मर्यादा को पिछड़ापन समझा जा रहा है। आजकल ऐसा होने लगा है कि जो शील है, जो मर्यादा, जिसका जो पालन कर रहे हो, कहते हैं तो तुम पिछड़े, बहुत पिछड़े व्यक्ति हो, तुम विकास वाले नहीं हो, मॉडर्न नहीं हो। इन सब बातों को सुनकर हंसी आती है,
आज उन सभी निमित्तों को स्वीकृत किया जा रहा है जो मान मर्यादा भंग करने में तत्पर रहते हैं। इतने ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं आधुनिकता के नाम पर, उत्तर आधुनिकता के नाम पर, कि ये कल्पना करना भी बहुत दुर्लभ हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी शील और मर्यादा की रक्षा कर या सात्विक बनकर रह सकता है। इतने संसाधन भी सहज सुलभ हैं और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने देखने में आ रहे हैं। शील की मर्यादा के अभाव में परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, आपसी विश्वास खत्म हो रहा है। लोगों ने इसको ऐसा समझ रखा है कि ये कोई पुरुषार्थ है, मर्यादा तोड़ना ये पुरुषार्थ है, शील भंग करना ये पुरुषार्थ है, और बहुत उन्मुक्त भोग की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये समझा जा रहा है कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है और हम अगर इसमें रमण नहीं करेंगे तो हम पिछड़े समझे जाएंगे, और हम अगर ये अमर्यादित होना ही फैशन हो गया है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हम लोग साक्षात भोग रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोग चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसे संसाधन भी सहज उपलब्ध हैं जो बाल मन में भी कामुकता का बीज बपन कर रहे हैं। बच्चे बहुत कम उम्र में युवावस्था को प्राप्त कर रहे हैं उन संसाधनों के कारण से। ऐसे समय में जब सारा संसार कामुकता को ही पुरुषार्थ समझ रहा हो और असंयमित और उन्मुक्त भोग ही एक लक्ष्य बनकर रह गया है, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, आदर्श समझे जाने वाले पुरुष, यहाँ तक कि पवित्र समझे जाने वाले कुछ अनैतिक साधु भी जब इस कलंक से वंचित नहीं है, तब हम सामान्य गृहस्थों की क्या चर्चा करें आपसे। आज जिन मर्यादाओं को सामान्य गृहस्थ भी पालता है, उन मर्यादाओं तक की चिंता बड़े बड़े लोगों को नहीं है। एक बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या यह परंपरा अनादिकाल से चल रही है, या इस तरह के जो मूल्य हमें हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, क्या उनका कोई महत्व नहीं है। वर्तमान में आज संक्रमण की बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं। आज आपको स्पर्शेंद्री पर कंट्रोल करने का महत्व ज्यादा समझ में आ रहा है। सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग एक, मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं। मेरा अगर बस चलता तो मैं कहता फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, शारीरिक दूरी। शारीरिक दूरी कोई सामाजिक दूरी नहीं होती है, लेकिन 6 फीट की दूरी पर आप रहिए, टच मत करिए किसी को। आप सोचते हैं कि किसी को आलिंगन करना, किसी से हाथ मिलाना, किसी को चुम्बन करना, गाल पर चुम्बन करना, मिलना जुलना, ये तो प्रेम का प्रतीक है, इससे तो सौहार्द बढ़ता है। ब्रह्मचर्य में इन चीजों का निषेध है। जो ब्रह्मचर्याणुव्रति भी होगा वो पर देह से विरक्ति रखता है, स्पर्श नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति कभी भी हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं रही है। हमेशा नमस्कार किया जाता है, क्योंकि हमारे दोनों हाथ, हमारी ऊर्जा हमारे ही अंदर सीमित रहे। आपको मेरा प्रणाम है, आपकी सादर विनय है। अगर हम हाथ मिलाते हैं तो सबसे पहले अब्रह्म का दोष लगता है, क्योंकि मेरे शरीर ने पर शरीर का स्पर्श किया और उसके कारण जो संक्रमण होता है
वो आज तक हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन आज इस महामारी ने समझा दिया कि हम शरीर का स्पर्श करने से भी संक्रमण होता है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है उनके लिए जो मर्यादाएं हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आज लोग कहेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन इस महामारी ने हमें वो सिखा दिया। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण धारण करने वाला है उसको ये तक निर्देश दिया गया है कि यदि किसी स्थान पर असंयमी व्यक्ति बैठा है और वो उठकर चला गया तो जिस स्थान पर बैठा था उस स्थान पर आप एक काल मर्यादा तक ना जाएं, ना बैठें उस स्थान पर, जबकि वो व्यक्ति वहां नहीं है। तो इसको मजाक समझा गया कि ये तो अति हो रही है, ब्रह्मचर्य के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया जाता था, शास्त्रों को ये बताया गया इसमें कुछ अतिरेक हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बातें हो रही हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन जिसको धर्म का पालन करना है वो इन मर्यादाओं का पालन करता है। प्रैक्टिकल बात बतलाई गई, दोषों का संक्रमण हो जाता है। जिस स्थान पर एक असंयमी व्यक्ति बैठा है उसका आभा मंडल, उसके परमाणु बहुत देर तक उस स्थान पर बने रहते हैं उसके जाने के बाद भी, और अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का धारी व्यक्ति उस स्थान पर बैठ जाता है तो उसमें भी संक्रमण होने का भय रहता है, इसलिए उससे द्रव्य रूप से भी उससे दूर रहने की बात कही गई। आज वैज्ञानिक लोग समझा रहे हैं कि वो वायरस, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वहां से उठकर गया है तो उसके बैठने के स्थान पर भी बहुत देर तक वो वायरस मौजूद रहता है, तो आप ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर संक्रमित व्यक्ति बैठा था, उस जगह को भी टच ना करें। तो इस ब्रह्मचर्य की अगर सर्वाधिक महत्ता आज यदि कोरोना के इस काल में, इस महामारी के काल में अगर सबसे अधिक महत्व समझ में आ रहा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का समझ में आ रहा है कि पर देह का स्पर्श भी नहीं करना है, नहीं तो संक्रमित हो जाएंगे। तो जिसने आत्मलीनता रूप इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है वह व्यक्ति यदि असंयमियों के स्पर्श को प्राप्त करेगा उससे दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर स्पर्श भी हो गया तो उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए भी आज ब्रह्मचर्य व्रत पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह एक बार पुनः बहुत बड़ी प्रासंगिकता को लेकर आ गया है। अब सिर्फ भोग वाली बात नहीं है, भोग की बात तो बहुत स्थूल हो गई, लेकिन स्पर्श करना ही भोग है। शारीरिक दूरी बनाकर रखना, इसलिए भी ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। आज इसके दुष्परिणाम हम लोग, अब्रह्म के दुष्परिणाम साक्षात भोग रहे हैं समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, लेकिन फिर भी चेत नहीं रहे हैं। ऐसे विकट समय में हमें ब्रह्मचर्य की जो शास्त्र सम्मत और वर्तमान के समय के अनुकूल जो परिभाषा है उसकी आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और यह समझने की आवश्यकता है गहराई से कि बिना आत्मलीनता के बाह्य ब्रह्मचर्य भी कोरा व्रत मात्र है। अगर स्वरूप में रमण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत सरल बात नहीं है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना आसान बात नहीं है, वो होगा कैसे, वो शुद्धात्मा के आश्रय से ही संभव है। जब अतींद्री का आनंद आने लगेगा तो इंद्री का आनंद तुच्छ दिखने लग जाता है, वो व्यक्ति भटक ही नहीं सकता। यदि भटक रहा है तो उसका अर्थ है कि उसने आत्मा के अतींद्री आनंद का भोग नहीं किया है, वह आत्मा के अतींद्री स्वरूप को यदि उसने उस स्वाद को चख लिया होता, आत्मानुभूति का स्वाद, तो उसका तीन काल में इंद्री भोग में इच्छा ही नहीं होती, और प्रायोगिक रूप से रमण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि जो जिस आनंद में, ऐसा कहा जाता है कि जिसने मिश्री का स्वाद ले लिया हो
जिसने मिश्री खा ली हो उसको नमक की ढली स्वादिष्ट लगेगी, जिसने साक्षात अमृत रस का पान कर लिया हो उसको ये तुच्छ पेय पदार्थ अच्छे लगेंगे। यदि ये तुच्छ पेय पदार्थ उसको स्वादिष्ट भासित हो रहे हैं किसी भी तरह से, या उसमें आसक्ति शेष है, तो इसका अर्थ है कि उसने उस अतीन्द्रिय तत्व का, उस अमृत का उपभोग अभी तक नहीं किया है, या उस दशा तक वो पहुंचा नहीं है। बिना आत्मलीनता के ब्रह्मचर्य असंभव है और कोरा व्रत है। जिसका कोई आध्यात्मिक धरातल नहीं है वो मात्र वासनाओं को दबाने वाला कार्य होता है और वो कभी भी विस्फोटक हो सकता है, जैसी कि दशाएं हम लोग प्रायः अखबारों में देखते रहते हैं कि महान ब्रह्मचर्य व्रत के धारक जो प्रसिद्ध हैं जगत में वो अचानक किसी केस में फंस जाते हैं। उसका कारण क्या है कि बाहर से वासना को दबाया गया लेकिन अंदर में जो उसकी आधारशिला थी, जो अध्यात्म की आधारशिला होनी थी, वह वैसी थी नहीं। इसलिए वासना का अभाव ही उत्तम ब्रह्मचर्य की परिधि में आता है। वासना की संतुलित और संयमित परिणति अणुव्रतों के अंतर्गत आती है। आप देखिए, वासनाओं को दबाना और वासनाओं से दबना, ये दोनों ही असहज वृत्ति है, सहजता नहीं है यहां पर। इसलिए ऐसा उपाय किया जाए कि ये वासनाएं उत्पन्न ही ना हो और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इतनी सुंदर पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति में सभी जगह बहुत धर्म पूर्वक एक संयमित भोग जो मनुष्य की आवश्यकता है उसकी अनुमति है। एक गृहस्थ की जो आवश्यकता है जिसके कारण से उसका परिवार संसार चलता है, धर्म पूर्वक उसकी अनुमति है, लेकिन वहां भी अत्यधिक आसक्ति का निषेध है क्योंकि वह आसक्ति दुख देती है। इसलिए कहा गया अनासक्त भोग मर्यादित हो, भोग भी मर्यादित हो और उसमें भी अनासक्ति की प्रधानता हो, तब हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप को समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक धर्म है और मैं मानता हूं ये एक व्यक्तिगत धर्म है, नितांत व्यक्तिगत। हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसके लिए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्मचर्य कोई दिखावा या सम्मान का लालसी भी नहीं होता है कि दुनिया में हम पोस्टर छपवाते फिरें कि हम ब्रह्मचारी हैं और हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने स्वरूप में रहने में आनंद आने लगा है और इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय भोगों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि हम उत्तम ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके अभ्यास की आवश्यकता है। कहां तक भोगों की लिमिट है? शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि ये जो कामाग्नि है, प्रायः ऐसा कहा जाता है, मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जब भी इसकी चर्चा होती है ब्रह्मचर्य की, तब तब ये चर्चा भी लोग करते हैं और ख़ासकर बड़े बड़े दार्शनिकों के प्रवचन में और लेखों में भी मैंने देखा, वो ये कहते हैं कि आप जो है भोग कर लो तो भोग के प्रति अनासक्ति हो जाएगी। कहते हैं ये मनोविज्ञान है, आप भोग लो और इतना अधिक भोग लो कि उससे आपका मन उचट जाए, आपकी अनासक्ति हो जाए। लेकिन गंभीरता से विचार करें, क्या ये सही है?
यदि अतीन्द्रिय तत्व का आभास अंदर में नहीं है और इंद्रिय भोग की प्रचंडता प्रचुरता अगर उसकी अनुमति दे दी जाए तो एक तो सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, पारिवारिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, और दूसरा अगर ऐसा होता होता तो आप देख रहे हैं तमाम भोग में लीन व्यक्ति भी अधिक उम्र हो जाने के बाद भी भोगों के प्रति उनकी विरक्ति नहीं हो पाती। भोगने से कब रुकी है भोग रूपी आग और सदा ही बढ़ रही है ईंधनों से आग। यदि हमारी भोग की इच्छा है और हम भोग कर लेते हैं तो तृप्त नहीं होते हैं बल्कि अग्नि में घी का काम करता है वो भोग की क्रिया। भोग की ज्वाला और भड़कने लगती है, अगर आप उसको तृप्त करते जाएंगे तो भोग की ज्वाला बढ़ती ही जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहां तक कि जब इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, इंद्रियों की भी एक सामर्थ्य है, आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है, नाक से सूंघा नहीं जाता, मुंह से खाया नहीं जाता, एक दशा ऐसी भी जीवन में आती है, उस समय भी मानसिक भोग, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई है, मानसिक अब्रह्मचर्य हावी हो जाता है और वो बाहर इसलिए कम भोग दिखलाई दे रहा है क्योंकि इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है। इंद्रियां भी कहां तक साथ देंगी, उनकी भी एक लिमिट होती है, तो इसलिए इंद्रियों का भी इतना दोष नहीं है जितना हमारी मानसिकता का दोष है। मन से ही विरक्ति होती है और मन से ही आसक्ति होती है, इसलिए ब्रह्मचर्य में कहा गया कि ब्रह्म में चरण करो, आत्मा में चरण करो। ये महाव्रत है, ये बहुत बड़ा व्रत है और इसका एक देश रूप पालन करके हम लोग एक सद्गृहस्थ बन सकते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति बन सकते हैं और राष्ट्र के एक सजग नागरिक बन सकते हैं। हम अपने राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं, हम अपने पारिवारिक सामाजिक उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं और अपने व्यक्तिगत आत्मोन्नति में सबसे बड़ा योगदान देते हैं इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके। इसलिए यह एक ऐसी ब्रह्मचर्य एक ऐसी आत्मिक अतीन्द्रिय अनुभूति है जहां इंद्रिय सुख की समस्त अनुभूतियां स्वतः ही तुच्छ लगने लगती हैं। जिसने उस अमृत रस का पान कर लिया है उसे संसार के और कोई भोग स्वतः ही पसंद नहीं आते हैं। हम इस ब्रह्म रमण स्वरूप ब्रह्मचर्य धर्म को समझें और उसकी आराधना करें और अपने जीवन में भी जितना संभव है उस पर विचार करके उसके सच्चे स्वरूप को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण, स्व और पर दोनों का कल्याण करेंगे। मेरा एक निवेदन है भारतवर्ष के सभी युवाओं से, युवतियों से, नई उम्र के लोगों से कि आप इस विषय पर विचार जरूर करना। किसी अंधी दौड़ में भागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कितनी बड़ी सफलता प्राप्त करके भी लोग इंद्रिय भोगों की इतनी सी लालसा में पूरे जीवन का परिश्रम गंवा देते और क्षणिक आवेग के चक्कर में अपना नैतिक पतन कर देते हैं, पारिवारिक पतन कर देते हैं और अपने कैरियर को खराब कर लेते हैं। ये कहां की बुद्धिमानी है? इसका मतलब है कि हमने कभी इन मूल्य परक शिक्षा को कभी ध्यान से नहीं देखा।
यदि हमारी शिक्षा पद्धति में ये विषय सम्मिलित होते और इनकी गंभीरता को समझाया गया होता तो आज इतनी विकृत दशा नहीं होती। मैं चाहता हूं कि इस तरह के विषय आज सेक्स एजुकेशन पर चर्चा हो रही है वो किस तरह की शिक्षा है। मैं कहता हूं आप ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीजिए। शिक्षा में ब्रह्मचर्य व्रत सम्मिलित होना चाहिए, तब जा करके हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन इतनी ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है कि आप सभी इस विषय को गंभीरता से सुनेंगे और 10 दिन तक हमने जिस 10 धर्मों की आराधना की है और उनका स्वरूप समझा है, उन सभी ये 10 लक्षण महापर्व शिक्षा के पर्व हैं। हमें 10 दिन शिक्षाएं मिली हैं, अब शेष जीवन में हमें उसकी समीक्षा करनी है, उसकी परीक्षा होनी है। तो हम सभी इस शिक्षा को ग्रहण करके उसको अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जिनेंद्र।